हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सबके संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। ब्रह्मा जी के वरदान से दशानन के नाभि में अमृत भरा। कुंडला कृति से युक्त अमृत तत्व के मूल हो ओकर प्रभाव से एगो माथा कटते ही दूसर माथा उत्पन्न हो जाना। प्रभु, आप पहले आग्नेय अस्त्र के प्रयोग करके नाभि के अंदर के अमृत के सुखा दिए, तबे ओकर अंत हो। भीषण, जब ले तू जियत रहबे राक्षस जात के विनाश हो कथी रही। राक्षस के वध करे खातिर ब्रह्मास्त्र के प्रयोग करी। देवतागण जे एकर विनाश के समय बतौले रहन, अब वो आ गए बा प्रभु। Thank you.
श्री राम। लोग आपके जय जयकार कर रहल बा, रावण पर राम की विजय भेल। लक्ष्मण, ये खाली राम के विजय ना, तू सब लोगन के, तू महाराज विभीषण, महाराज सुग्रीव, वीर हनुमान, चांवर, अंगद, नल, नील और सगरी वानर सेना, ये सब के सहायता से ही राम यह युद्ध के जीत सकले। ये जीत तू लोगन के। प्रभु, आपन सेवक के बड़ाई कही, आपके महानता ना तो तीनों लोक में केहू ऐसा योद्धा नहीं थे जो युद्ध में आपके सामने ठहर सके। रावण, देवता लोग सभी हार ना सकत रहे, आज आप सिद्ध कर दिले ये सब कहलन कि आप कोनो साधारण मानव नहीं थी। प्रभु, आपके शत शत प्रणाम, धन्य हैं आप। क्षमा कर दी भैया, महाराज विभीषण।
लक्ष्मण भैया, आज 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 सगरी लंका उजड़ गेल सगरी लंका, पुलत से परिवार निराधार हो गेल। ए वीरवर, एगो बाढ़ आप तरकस से निकाल के अमार कलंकित जीवन के भी अंत कर दी। आज आज अपन जीवन हमके काटा के लेगा चुप रहल बा। विभीषण जी, हम आपके दुख के समझत हैं। अब पुलस्त्य वंश के नाम चलावे खातिर धैर्य धारण करके ई होनी के तो सहे के ही पड़ी ना वीरवर लक्ष्मण। आज आज हमके सगरे संसार बेकार लग रहल बा। चारों ओरी अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहल बा। महाराज विभीषण, मित्र, आप स्वयं परम ज्ञानी हैं। ये योद्धा अपन महत्वाकांक्षा और अभ्युदय खातिर युद्ध में प्रवृत्त होखेलन। ये कौनो लक्ष्य खातिर युद्ध क्षेत्र में वीर गति प्राप्त करेलन, ओकरा खातिर कबो शोक ना करे के चाहिए। लंकाधिपति अपन आन खातिर, असुर जाति के गौरव रखे खातिर ये गति पहले बढ़न, वो पहले के महापुरुषन के बतावल कैल उत्तम गति है। क्षत्रिय वृत्ति के आश्रय दे वाला पुरुष के यदि युद्ध के क्षेत्र में मृत्यु होखे तो ये ओकरा खातिर बहुत आदर के बात है। इस शास्त्र में कहल गेल सिद्धांत पा, अब आप तात्विक बुद्धि के सहारा लेके अपन मन के संताप दूर करी और अब आगे जे प्रेत संस्कार आदि करे के बा ओकरा बारे में विचार करी। महाराज सुग्रीव। आज्ञा प्रभु। स्वामी प्राणनाथ, स्वामी स्वामी नाथ, स्वामी प्राणनाथ, स्वामी स्वामी प्राणनाथ, स्वामी। ये आपके स्थान नहीं के। उठी ना उठी स्वामी, हम आपसे हमेशा कहत रहे ना, इनका जबेर मत करी, कौना साधारण मानव नहीं के, नहीं के। बाकी आप हमारे एक नजर ली, आपके कौना मनुष्य ना मार सकत रहे ना। बाकी एगो पतिव्रता सती स्त्री पर हाथ डाले के पापी आपके भस्म कर देले। आज हमके इस शत्रु सबके बीच अकेले जाके काहे चल गेली नाथ, काहे चल गेली नाथ। हमके भी संग ले चली, अपना संगे ले चली नाथ। महाराज विभीषण, संयम से काम लीही। अपन परिवार के व्याकुल शोक संतप्त स्त्री सबके संहारी, ढाणस बनाई इनका के। महारानी धीरज धरी, धीरज धरी। भाभी भाभी के कर, भाभी जब भाई के शत्रु के हाथ से मरवा दे ले तो भाभी के नाता कहाँ रहे। एही दिन खातिर अपन भाई के साथ छोड़ के गेल रहला। कम से कम आप तो ऐसे मत कही भाभी, तीनों लोग जाने ला कि हम भैया के साथ ना छोड़ ले रही, वे हम के निकाल दे ले रहे। न,
नाथ, आप हमेशा मनमानी करत रहले, कबो मन दोधरी के कौन बात ना मन ले, बाकी बाकी हमारा जितना सब बात तो मान ले नाथ। अपन मंदोदरी के भी अपना संगे ले चली, अपन मंदोदरी के भी अपना संगे ले चली ना, हम अकेले जीवित ना रह चले, हम अकेले जीवित ना रह चले, हमके भी अपना संगे ले चली। महारानी मंदोदरी, जबकि हमके तोरा से कुछ कहे का अधिकार तो नहीं के, बाकी बेटी तोहार पुरखा पुलस मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र रहन, हम उहे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र होवे के नाता से तुहार वंशज ही है। बेटी, आदिकाल से सृष्टि के यह नियम बा, यह विधि के विधान बा, ये धरती पर केहू संगे ना आवेला, ना केहू संगे जाला, हर प्राणी अकेला आवेला और शरीर छोड़ के जीव जाला ता अकेला। काल बहुत आसान बा, बहुत आसान बा, बाकी साल बहुत कठिन बा, बहुत कठिन बा, पूजवर बहुत कठिन बा। दशानन, दशानन, वार बचवा। हमार लाल लंकेन ऐका हो गए। हे अयोध्यानाथ सर्वज्ञ सर्वेश्वर, रावण कुंभकर्ण विभीषण के अभागा नाना मालेवान के सादर प्रणाम स्वीकार करी। आपके भी नमस्कार मान्यवर, आपके दर्शन से हम धन्य धन्य हो गए नी। आपके विवेक और महाज्ञान की चर्चा प्राय हम विभीषण से सुनत रहली, आज सौभाग्य से आपके दर्शन हो गए। हे दिव्य आत्मा, हमार परम प्रतापी नाते दशानन, जे करे को हम द्वितीयो नास्ति, ना भूतो ना भविष्यति के गर्जन से दसो दिशा का पत्थर रात रहल, वो अपन टेक रखे खातिर युद्ध भूमि में अपन प्राण अर्पण कर दिलस। रावण अब खाली इतिहास के पन्ना में रह गई ला, वर्तमान आपके है, आज आप लंका के विजेता हैं। हे लंका विजय रघुकुल तिलक, लंका के राज परिवार के एकमात्र जीवित प्राणी, हम लंकापति के नाना माल्यवान आपके विजेता स्वीकार करके आत्मसमर्पण करे आयल हैं। हम लंका के आपके अधीन करके लंका के राज्य आपके श्री चरणन में समर्पित करत हैं। अब लंका के शासन, लंका के सारा संपत्ति और राजकोष पर आपके अधिकार बा। जे आपसे बैर कैलस, वो युद्ध में मारल गईल, अब हमारे इतने प्रार्थना बा कि लंका के निर्दोष प्रजा पर आप क्रोध मत करी। लंका के बचल नर नारी आपके दया के पात्र बाड़न, आज से लंका और लंका निवासी अयोध्या के अधीन रही हैं। माल्यवान जी, इधर थी आपके बाह और आपके ही रही, केहू के धरती पर बलपूर्वक अधिकार कई ना हमार धर्म है और ना हमार नीति है। हम तो पापियन के दंड देवे के खातिर ही ये धनुष बाण धारण करी ले, लंका वासियन के अपना अधीन करके गुलाम बनावे और लंका के राज्य हड़पे के
ऊपर अपन सत्ता जमावे के खातिर हम युद्ध नहीं के लिए। रावण के अधर्म, अनीति और अत्याचार के कारण बाध्य होकर हमके ये युद्ध करे के पड़ा ले। लंका, लंकावासियन के बाह, ऊपर लंकावासियन के ही अधिकार रही अयोध्या के ना। आप जानत नहीं कि हम युद्ध से पहले ही महाराज विभीषण के लंका के राजा घोषित कर चुका है। धन्य है रघुवंश मणि, आपके उदारता धन्य बा, आपके विशाल हृदयता धन्य बा। महाराज विभीषण, भावना के त्याग के कर्तव्य के पालन करें। यह समय सबसे पहला कर्तव्य आपके ई बा कि अपना कुल के परंपरा के अनुसार शास्त्रोक्त विधि से अपन जेठ भाई के पार्थिव शरीर के विधिवत अंतिम संस्कार करें। महाराज रावण के अंतिम संस्कार वही पूरा राजोचित सम्मान के संगे कल जाए के चाहिए जेकर वो अधिकारी बाण। पाल्यवान जी, महाराज रावण के पार्थिव शरीर ले जाके ओकर अंतिम क्रिया कर्म करें, ई काम आप ही के करे के बा। महाराज रावण, भगवान आपके आत्मा के सदगति दे। मन भावन